गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई है ना, डज द फंक्शन साइन टू एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन क्या है? साइन टू एक्स। तो लेट कर लेते इसको, फंक्शन लेट किया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स लेट कर लो हम लोग, इसको फंक्शन ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, टू कॉस टू एक्स। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज तो टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और दिस इंप्लाइज कोस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो देखो x जो 2x है, कोस 2x इज इक्वल टू जीरो, तो कोस किस किस पे जीरो होता है, पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पर, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू। अब जो 9 पाई बाय 2, देखो अब हमें इंटरवल का भी ध्यान रखना ना, हमारे पास इंटरवल ये है 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि उससे बाहर नहीं ले सकते हम लोग, है ना। अब 9 पाई बाय 2 लेंगे, अभी 2 नीचे जाएगा, 9 पाई बाय 2 लेकिन 9 पाई बाय 8 हो जाए ना, 4 हो जाएगा, तो 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए x क्या क्या आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए सारे के सारे। अब इंटरवल जो है ना क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड भी है तो वो पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो 0 से 2 पाई है ना, तो 0 भी आ गया, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और लास्ट 2 पाई, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में कौन सी है ना, कौन से पॉइंट के ऊपर है। तो हम लोग इसकी मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी सबकी वैल्यू निकाल देंगे। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मीन्स क्या है, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स साइन टू एक्स है, तो साइन जीरो बन गया, एक्स की जगह जीरो रखा तो साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है। एफ ऑफ फिर पाई बाय फोर, ये सॉरी हाँ पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो पाई बाय फोर पे माना क्या होगा, साइन टू एक्स, एक्स की जगह क्या है पाई बाय फोर, तो ये क्या बन गया, साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू कितना होता है, वन होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, अगला अपना पॉइंट है थ्री पाई बाय फोर, तो एफ ऑफ थ्री पाई बाय फोर पे निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन टू इंटू एक्स, एक्स की जगह जब ये रखेंगे तो ये आ जाएगा थ्री पाई बाय टू आ जाएगा, तो साइन थ्री पाई बाय टू माना पाई प्लस पाई बाय टू, पाई प्लस पाई बाय टू सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पाई बाय टू पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो भी वन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एफ ऑफ थ्री पाई बाय फोर के बाद फाइव पाई बाय फोर, अब ये क्या हो जाएगा, साइन जब टू एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा फाइव पाई बाय टू आ जाएगा, अब ये क्या बन गया, टू पाई प्लस पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पाई बाय टू फिर वन आ जाएगा। नेक्स्ट है सेवन पाई बाय फोर, एफ ऑफ सेवन पाई बाय फोर, जब वैल्यू पुट करेंगे साइन टू एक्स, टू एक्स रखेंगे तो ये सेवन पाई बाय टू हो जाएगा, और ये बन गया आपके पास देखो एट पाई माइनस पाई बाय टू, एट पाई है ना, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में रह गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया, तो फोर्थ में नेगेटिव होते हैं तो माइनस का वन आ जाएगा। फिर लास्ट हमारे पास एफ ऑफ
टू पाई, तो क्या हो जाएगा साइन फोर पाई, साइन फोर पाई पे क्या होगा जीरो हो जाता है मैंने। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या क्या आई, वन है ना, पाई प्लस में पाई बाय टू बनता है, और पाई प्लस में पाई बाय टू तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है साइन, ठीक है, तो ये माइनस आएगा भाई, तो हमारे पास आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आई फिर, एक तो ये आ गया वन और एक ये आ गया वन, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट द पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू, एक तो पहले क्या आया वन आया, वन के लिए पॉइंट क्या था पाई बाय फोर, और एक वन आया फाइव पाई बाय फोर पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, मैंने पॉइंट पूछ रहा था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख लेंगे, दिस इंप्लाइज तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो किस पॉइंट पे मना, किस थीटा पे मैंने इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है पाई बाय फोर पे, ठीक है ना। अब इंटरवल तो गिवन नहीं है, बाकी पे तो फिर रिपीट ही होगी मतलब, तो एक पॉइंट आ गया एक्स पाई बाय फोर। अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है ना, तो साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसे, नंबर लाइन बना लेते हैं, पॉइंट क्या है पाई बाय फोर, जो जीरो से पाई बाय फोर है वहां कोस ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, और जो पाई बाय फोर से मोर है तो उसमें जो है साइन ग्रेटर होता है, तो जीरो से पाई बाय फोर पे अगर कोस ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां क्या होगा नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना। सो लिख लो एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट हो गया फिर, ठीक है ना, मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं फिर, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या रखेंगे, फंक्शन में हम लोग पाई बाय फोर रख लेते हैं, फंक्शन क्या साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स मीन्स साइन पाई बाय फोर प्लस में कोस पाई बाय फोर, तो साइन पाई बाय फोर क्या आ गया आपके पास वन बाय रूट टू, और ये भी क्या आ गया वन बाय रूट टू, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके ये आ गया, और डिवाइड किएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल वन थ्री, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन माइनस थ्री माइनस वन, इंटरवल चेंज कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की, तो जो फंक्शन है हमारे पास उसी तरह से लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस में 107, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² 24। कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन आ गया तो आपके पास बचा x² माइनस 4। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 6 इंटू x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएंगे। तो फर्स्ट इंटरवल है 1, 2, 3, है ना। तो क्या करेंगे, 2 बिलोंग्स टू इंटरवल 1, 2, 3, सो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2, 3, है ना, इंक्लूडेड है ना, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल है, 2 भी इंक्लूड हो गया। तो 1, 2, 3, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो सब की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 पे निकाल लो, तो फंक्शन में रख लेंगे, जहां भी एक्स आया वहां 1 रख देंगे। तो माइनस 24x1 प्लस 107, तो ये आ गया 2, ये आ गया माइनस 24, ये 107, तो ये आ जाएगा आपके पास 107 प्लस में 2 109 माइनस 24, तो ये आपके पास आ गया 185। फिर एफ ऑफ 2 पे निकाल लेंगे, एफ ऑफ 2 पे 2 इंटू 2³ माइनस 24 ऑफ 2 प्लस 107, तो ये आपके पास बन गया 2³ 8, 8² 16 माइनस 48 प्लस 107, तो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 175, ठीक है। तो उसके बाद है 3 पे चेक करते हैं, एफ ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, तो 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 माइनस 24 72 प्लस 107, तो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 189। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई, ये आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इज 189 एट x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। जो इसी का फिर सेकंड पार्ट में करते हैं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम इन द फंक्शन -3 से -1। अब देखो इंटरवल जो हमारे पास आया था, जो क्रिटिकल पॉइंट था, वो माइनस प्लस माइनस 2 आए थे, तो अब क्या होगा, जो माइनस का 2 होगा अब वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो इसी तरह से इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो क्या क्या बन गए, -3 -2 -1, तो फिर उसी तरह से फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, -3 पे निकालेंगे, फंक्शन तो सेम है उसी की टाइप का है, -3³ और -24 इंटू -3 प्लस 107, और ये आ गया 27 माइनस 54 और प्लस में ये 72 और प्लस 107, तो ये आपके पास आ गया, तो ये आ गया आपके पास 125। नेक्स्ट एफ ऑफ -2 रख देंगे, अब -2 का क्यूब 24 -2 प्लस 107 -8 2 -16 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 107, तो इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 139। नेक्स्ट एफ ऑफ -1, तो -1 रखेंगे अब, 24 इंटू -1 प्लस 107, तो ये बचेंगे आपके पास -2, ये प्लस 24, ये प्लस 107, तो ये आ गया 129, ठीक है।
तो उसके बाद देखो क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला पॉइंट किस पे है, -2 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू इज क्या 139 एट एक्स इज इक्वल टू क्या -2 पे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इट इज गिवन दैट एट एक्स इज इक्वल टू 1 द फंक्शन, ये फंक्शन है आपके पास, अटेंज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है आपके पास, ये 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। फंक्शन क्या है, एक्स रिच पावर 4 -62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में 9। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स रिच पावर 4 में 4x³, ये आ जाएगा आपके पास 124x, और ये आ जाएगा, ये a है तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, जो फंक्शन है ना, फंक्शन फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, एफ डैश 1 विल बी 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मान लो ये फंक्शन इस टाइप का होगा तो यहीं पे तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है आपके पास, मान यहाँ सी है तो सी होगा, 1 है तो 1 होगा, तो एफ डैश इसमें रख लेंगे फिर, तो 4 × 1³ -124x1 अच्छा, तो प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4 − 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू, ये माइनस का 120 उधर जाके प्लस का हो, तो ये ए आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी।